मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मुकुंद लाठ जी पर एकाग्र का आयोजन जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से किया जा रहा है, और इस कड़ी में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, दुर्गा जसराज जी और रतन मोहन शर्मा जी। आप दोनों का इस मंच से हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, आप देख रहे हैं कि लगातार मुकुंद लाठ जी पर कार्यक्रम करते हुए हम उनके अलग अलग आयामों से कुछ अधिक विस्तार से परिचित हो रहे हैं। आज ऐसा ही एक अवसर है। कई बार कुछ लोगों की जुगलबंदी ऐसी होती है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें एक दो शब्दों में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। पंडित जसराज जी और मुकुंद लाठ जी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। वे गुरु भाई भी हैं, मुकुंद लाठ जी उनके शिष्य भी रहे हैं, पंडित जसराज उन्हें अपना मित्र भी मानते रहे हैं, और पंडित जसराज हमारे देश के उन गिने चुने शास्त्रीय गायकों में से एक हैं जो लगातार संगीत के बाहर भी एक अपनी पूरी दखल रखते हैं, खास तौर से साहित्य में और शब्दों की दुनिया में उनकी एक महत्वपूर्ण आवाज आ ही रही है। ऐसा ही एक नाम कुमार गंधर्व का भी है। तो ऐसे लोग जो अलग-अलग विधाओं में सक्रिय रहे, उन पर आज चर्चा होगी, और मुकुंद लाठ जी पर इस एकाग्र में पंडित जसराज जी की जिस तरह की प्रॉक्सिमिटी रही, जैसा साहचर्य रहा, कई उसके स्तर हैं। तो हमने उस क्रम में दुर्गा जसराज जी से और रतन मोहन शर्मा जी से निवेदन किया कि आप दोनों ऐसे महत्वपूर्ण पात्र हैं जो इस विषय पर बोलने के लिए काफी उपयुक्त होंगे, और मुझे खुशी है कि दुर्गा जसराज जी और रतन मोहन शर्मा जी ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज हमारे साथ हैं। आप जानते हैं कि दुर्गा जसराज जी लगातार कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं। स्वयं उत्साह के नाम से फेसबुक पर कई गायकों को और संगीतकारों को जगह दे रही हैं। रतन मोहन शर्मा जी लंबे समय तक पंडित जी के साथ रहे हैं, और इन दोनों की दोस्ती को आप दोनों ने बेहतर रूप में देखा है। तो यह एक इन दोनों को सुनना महत्वपूर्ण होगा, और हमें भी उत्सुकता है आप लोगों की ही तरह कि देखते हैं इस बातचीत में किस तरह की चीजें निकलती हैं। तो मैं शुरुआत इस चर्चा की दुर्गा जसराज जी से ही करता हूं, लेकिन उसके पहले भी एक बात और मित्रों, कि इन दोनों का संबंध ऐसा रहा कि बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक साथ बने रहे, और संयोग भी कुछ ऐसा कि यह महीना जो है इन दोनों की पुण्यतिथि का महीना भी है। तो इन दोनों महानुभावों को स्मरण करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और यह दुर्गा जी भी जैसा कह रही थी कि कुछ संबंध, कुछ मित्रता या कुछ गुरु शिष्य परंपरा के संबंध ऐसे होते हैं जिनको आसानी से व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। वे कुछ दूसरे ही आध्यात्मिक स्तर पर जी रहे होते हैं। वो संगीत को जी रहे थे, वे साहित्य को जी रहे थे, वे साथ साथ जी रहे थे। और जब मुकुंद जी नहीं रहे, तो उसके कुछ एक दिनों बाद पंडित जी भी नहीं रहे। तो ऐसे में हम इन दोनों को याद करते हैं। दुखद घड़ी भी है, लेकिन हम अपने इन जो हमारी यह पूर्ववर्ती पीढ़ी है, जो जिस तरह से इनका एक वैश्विक स्तर पर जैसी पहचान है, हम इन्हें जितना अधिक याद करें, इनके बारे में जितना जाने उतना ही कम है। तो दुर्गा जी, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं कि कृपया इस संबंध पर कुछ बातचीत करें। और जब आपने मतलब जब आपकी स्मृतियां बिल्कुल पीछे जाती होंगी, तो आप क्या देखती हैं कि किस तरह से उन दोनों के रिश्ते रहे और क्या बातचीत हुआ करती थी? दुर्गा जी, जी दुर्गा जी, माइक को, हाँ प्लीज जी।
मैंने कहा सबसे कठिन सवाल आपने सबसे पहले कर दिया कि मैं उनको स्मृतियों में याद रखूं, यही बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अभी भी हमारे लिए, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिलों में वो सदैव जीवित है। सबसे पहली तो बात है कि तो स्मृति तो तब बनेगी तो जब हम उनसे थोड़ा दूर जाएंगे, उनको मिस करेंगे। फिलहाल तो हम लोग उस स्थिति पे भी नहीं पहुंचे कि हम उन्हें मिस करें, क्योंकि वो हर पल हमारे साथ है। और जहां तक बापूजी का सवाल है, और बापूजी जब मैं कहूँ तो संगीत मार्तंड, पद्म विभूषण, पंडित जसराज जी की बात कर रही हूँ, और उन्होंने जो हमारे आदरणीय मुकुंद चाचा जी, जिनको हम कहें यानी कि डॉक्टर मुकुंद लाठ, वो बापूजी के मुझे लगता है सबसे घनिष्ठ परम मित्र, जिनका भाइयों से भी ज्यादा प्यार रहा होगा, जिनके साथ उन्होंने अपने सुख दुख के कई कई सारे पल जीवन भर उन्होंने उनके साथ शेयर किए हैं। और क्योंकि वो लोग दोनों ही एक तरह से अपने जीवन को गढ़ रहे थे, दे वो फॉर्मेटिव इयर्स, तो उसकी वजह से जो उनकी, बापूजी का तो संगीत की एक यात्रा शुरू थी, और उसके साथ ही अगर मैं सोचूं कि डॉक्टर मुकुंद लाट जैसी एक अद्वितीय पर्सनालिटी उस वक्त, और वो भी घड़ी रहे थे, सो कैन यू इमेजिन कि दो अपने अपने क्षेत्र के जो बहुत ही मैं कहूँ विलक्षण, और दोनों ही अपने तरीके के एक युग पुरुष, एक साथ अपने जीवन को साथ भी जी रहे थे, और देखा तो दोनों ने अलग अलग अपनी राहों पर जाके फिर एक शिखर पे भी मिले, जो विद्वत्ता, रस, संगीत, जिसमें आप अगर बात करें तो इवन जिसमें कहें कि लिटरेचर, और ये बहुत सारी जो धाराएं हैं, वो जो जहां पर बहुत सारे जो जीवन के सारे नवरस मिलते हैं, सारी जो एक एक जगह पे आती है, और वो महागंगा बनी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक इंग्लिश में कहावत है, मैं जानती हूँ कि आपके इस पेज पर बहुत हिंदी की बहुत उच्च उच्च स्तर की हिंदी बोली जाती है, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि कई सारे जो रिश्ते होते हैं, कई सारे जो भावनाएं होते हैं, भाषा कोई भी हो, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को अगर व्यक्त कर सके, और उसके लिए अगर सहारा कई भाषाओं का भी लेना पड़े, तो मुझे लगता है इस रिश्ते को एक उसकी परिभाषा या उसको समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक इंग्लिश की कहावत मुझे बहुत जोरों से अभी मेरे दिमाग में छा रही है, यू आर ऑलवेज जज बाय द कंपनी यू कीप। और ये जो कहावत है मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और ये जो इन दोनों का जो एक साथ घटना, एक दूसरों के जीवन में उनका जो आदान प्रदान हुआ है, और ऐसा नहीं कि बहुत प्यार है, जैसे हम लोग अगर मेरी जैसी है कि मैं रेफरेंसेस बहुत अलग अलग परफॉर्मिंग आर्ट से लेती हूँ, कि ऐसा नहीं कि सूरज बड़जात्या की फिल्म देखो तो भाइयों का प्यार मतलब अमर प्रेम, और उसमें कोई नोकझोंक नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे भी नहीं। लड़ाई होना या नोकझोंक होना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब नोकझोंक होती है और पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं, तो उससे भी दो जो इतने महान व्यक्ति जो सोच रहे हैं, उससे भी जाकर आगे कोई और एक तीसरी बहुत खूबसूरत बात निकलती है। ये ऐसा इन दोनों के जीवन में कई बार हुआ है, और इसके लिए ये दोनों का रिश्ता बहुत अलग अलग स्तर पे रहा है। मैं तो समझती हूँ कि भाइयों का रिश्ता है, दोस्तों का रिश्ता है, गुरु भाइयों का भी रिश्ता है, और फिर गुरु शिष्य का भी रिश्ता है। और एज को म्यूजिशियंस, जैसे उन्होंने, जैसे कुछ कुछ बंदिशें मुकुंद चाचा जी ने लिखी, उसको स्वरबद्ध बापू जी ने किया है, तो ऐसे इतनी मल्टी फैसेटेड, मल्टी लेयर्ड अगर एक कोई रिश्ता हो, तो उसको समझने के लिए भी उतनी मेच्योरिटी, उतना उसकी उसकी जिसको कहे कि गहराई को समझना
बहुत मुश्किल काम है, और मैं समझती हूँ कि ये गंगा से भी या सात समुद्र से भी ज्यादा गहरी एक एक रिश्ते की नींव है। और इसकी ऊंचाइयां तो मुझे लगता है कि दोनों का साथ साथ एक साथ ऊपर जाना, जो जिस दिन मुकुंद चाचा जी की खबर आई थी रात के 2-2.5 बजे, मतलब 6 तारीख की सुबह सुबह इंडिया टाइम्स, 2:30-2:30 बजे रात में समय जब फोन आया, तो पहली बार मेरे दिल इतना जोर से ऐसा बैठा कि मैंने कहा ये वाला सदमा बापूजी सहन नहीं कर पाएंगे। ये मुझे अंदर से एक जैसे एक अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी, और फिर मैंने अपने आप से कहा ये क्या बात कर रही हो। मैंने कहा बापूजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव सब देखे, लेकिन ये जो रिश्ता है उनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जो कोई 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 नहीं पूरी कर पाएगा। एंड बस 11 दिनों के बाद मुझे लगता है मुकुंद चाचा जी भी उनको खींच कर लेकर गए, और जैसे मुकुंद चाचा जी का स्वभाव था कि उनके प्रिय पंडित जी या उनके जसराज जी, जिनको अलग अलग नाम से संबोधित करते थे, जैसे वो ऊपर गए हो सब देखने के लिए कि जसराज जी को मैं ले जाने वाला हूँ, मैं देख रहा हूँ ऊपर सारी सुविधाएं ठीक है, उनके आने लायक हैं, और बहुत प्यार से वो ही उनको लेके गए। मेरे हम लोगों के मन में इसके बारे में कोई शंका है नहीं, और ये प्यार कुछ जीवन भर उन्होंने निभाया, और मुझे लगता है दिस रिलेशनशिप इज बियॉन्ड। और इसका उन्होंने दोनों ने जैसे जीवित समय भी उन्होंने ये इस चीज को निभाया, और जाते वक्त भी उन्होंने इस प्रेम को निभाया है। तो ऐसे ऐसे रिश्ते के बारे में कहने के लिए सचमुच दुनिया भर की जो डिक्शनरी है वो सारी कम रहेंगी। मैं रतन भैया से कहूंगी कि वो इस बात पे कुछ बात करें, क्योंकि रतन भैया ने बहुत समय बिताया है। और अर्पण जी मैं बताऊं, रतन भैया मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सगी बुआ जी के बेटे हैं, और बहुत कम उम्र में गांव से बापूजी, यानी उससे भी पहले संगीताचार्य पंडित प्रताप नारायण जी, यानी कि बापूजी के बड़े भाई, मतलब पंडित मणिराम जी, संगीत महामहोपाध्याय पंडित मणिराम जी, जो मुकुंद चाचा जी के पहले गुरु और बापूजी के भी सबसे बड़े भाई और गुरु, और उसके बाद संगीताचार्य पंडित प्रताप नारायण जी, जिनके बच्चे हैं सुलक्षणा पंडित, जतिन ललित, सो सारे जो फेमस बच्चे हैं वो उनके हैं, और उसके बाद संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी। तो तीनों भाइयों ने जो एक धूम मचाई हुई है, ये तीन बड़े भाई, तो संगीताचार्य पंडित प्रताप नारायण जी रतन जी को गांव से मुंबई लेकर आए, और जब एक बार वो मुंबई आए तो फिर मेरी माँ यानी कि मधुरा जसराज जी और बापूजी ने हम सब तीनों एक साथ बड़े हुए, यानी कि मेरे सबसे बड़े मेरे बड़े भाई साथ में ही। ये शायद इंटरप्ट तो नहीं हुआ है, वीडियो आप देखिए चल रहा। अच्छा हाँ, तो गुरु शिष्य के तहत रतन भैया ने गाना भी सीखा बापूजी से, जी सब ठीक। और बाद में रतन भैया ने अपने जो करियर का पाथ चुना वो शास्त्रीय संगीत को ही उसने अपनी जिंदगी समर्पित की। तो बापूजी के साथ पिछले 25 वर्ष में अगर सबसे ज्यादा किसी ने पूरे विश्व में ट्रैवल किया होगा तो रतन जी ने किया है। तो इसीलिए मैंने आपसे अनुरोध किया कि रतन जी का इस चर्चा में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब अलग थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी जिंदगी जीने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन रतन भैया आप प्लीज इसके ऊपर बात करें, बापू जी और मुकुंद चाचा जी का जो गहरा रिश्ता है उसके बारे में जरूर बात करें। जी रतन जी प्लीज कुछ इस पर रोशनी डालें। नमस्कार, नमस्कार अर्पण जी और दुर्गा जी। मामा जी और मुकुंद मामा, वो भी हमारे, हम तो उनको मामा ही कहते हैं, उनका ऐसा रिश्ता, खुद मामा जी ये बताते थे कि भाई देखो मेरा और मुकुंद का रिश्ता ऐसा है कि तो ही मोहि नाते अनेक, ये हर बार वो कहते हैं कि तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। वो बोले मेरे भाई भी हैं, मेरे सखा भी हैं और शिष्य भी है, गुरु भाई भी हैं, तो इतने सारे उनके रिश्ते वो बताते हैं, और कि उनके साथ में वो कहाँ कहाँ नहीं गए। वो एक बार कहते हैं कि वो
ये उत्तराखंड में मतलब हिमालय की तरफ जा रहे थे, और दोनों जाते जाते वो उन्होंने बहुत सारे गाने भी बनाए हैं। वो एक जो बनाया था एक सास मारुजी ससुर, जी, नहीं, गाओ गाओ। हाँ, मारो जी देखो थारो, गाओ, मारो जी देखो बारू जी देखो थारो थारो देश। तो ये गाना मैं बता रहा हूँ, और बहुत सारे बंदिशे भी उन्होंने, मुकुंद मामा ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए जो हम लोग बहुत सारे गाते हैं। जैसे कि एक बैरागी भैरव में हम लोग बहुत गाते हैं, अब ना मोहे समझाओ कान तुम, अब ना मोहे समझाओ कान तुम, कै सुने की कार ही, अब जाओ उतही जाओ, अब ना मोहे समझाओ कान तुम, ये सालत ये मीठे बना, ये सालत ये मीठे बना, वाही नवेली सो रंग राते, वाको जाय सुनावो, समझाओ कान तुम, अब ना मोहे समझाओ। तो ऐसी ऐसी बंदिशें बहुत सारी उन्होंने लिखी है, और मामा जी ने उसको स्वरबद्ध किया है। और उन दोनों की जो दोस्ती, मतलब हम लोग, एक कोई भी ऐसा समय नहीं था जिसमें कि वो मुकुंद मामा के बारे में बात नहीं करें, वो बस उनके बारे में बात करते ही रहते थे, करते ही रहते थे। और एक शिष्य कैसा होना चाहिए, वो उदाहरण मुकुंद मामा के साथ में उनका एक बहुत अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता, क्योंकि और उनकी बहुत सारी, कौन जिए ठानी अपना मोए समझाओ काहे इतनो इतरावे, ये अलग अलग रागों में। ऐसे 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 गा के, ये ना, ये बंदिश तुम ऐसे कहोगे तो उसका कोई रस कैसे पता चलेगा। तो एक तो मैं उसका, एक तो भावार्थ भी बताओ। अभी जो तुमने गाया उसका थोड़ा भावार्थ बताओगे तो मतलब उसको लोग समझ पाएंगे कि ये किस ढंग से इन्होंने बंदिश लिखी है, और इसके ऊपर फिर स्वर रचना क्या कहती है। ये एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, क्योंकि लिखना अपने आप में बहुत एक बड़ी कला है, फिर उसको जी उसी शब्दों को समझ के उसको स्वरबद्ध करना। ये जो दोनों का जो एक तालमेल जो मुकुंद चाचा जी का और बापू जी का रहा है, वो बहुत ही गजब रहा है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। प्लीज आप बोलो जो अभी आपने शब्द गाया। शब्द और सुरों का जो मेल है, वो इनके मुकुंद मामा और मामा जी पंडित जसराज जी के इसमें मिलता है। अब ना मोहे समझाओ कान तुम, इसमें क्या है कि जो कान काना है वो पूरी रात भर कहीं जाके, और जब सुबह सुबह राधा जी के पास आते हैं तो राधा जी कहते हैं अब ना मोहे समझाओ, अब तुम अपनी मतलब मीठी मीठी बातें कह के मुझे मत समझाओ, कहे सुने की कहा रही, अब कोई कहना सुने की बात ही रही नहीं है, जाओ उतही जाओ, कहे सुनने की मतलब अब कोई कहने सुने की बात, अभी आपकी बातों पर मुझे कोई भी विश्वास नहीं है, कहे सुने की कहा रही, अब जाओ उतही जाओ, वहीं जाओ, अंतरा है ही ये सालत ये, मतलब मेरे हृदय को आपकी जो बातें बहुत चुभ रही है, ये सालत ये मीठे बहना, अब आप जो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ये मेरे मन को बहुत दुखित कर रही है, ये सालत ये मीठे बहना, वाही नवेली सो रंग राते,
जो उस नवेली के साथ आपने रात बिताई है, वाको जाए सुनाओ, और ये जो बातें मीठी आप उसी को जाके सुनाई। तो ये जो उन्होंने लिखा और जो मामा जी ने इसको जो राग बैरागी में स्वरबद्ध किया, तो एकदम लगता है कि जैसे वो जो व्यथा है उसको। एक व्यथा तो है ही, मगर मुझे सबसे पहले इसका जो राग का चयन है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जिन्होंने पूरी रात बिताई हो वो सुबह सुबह मिलने आ रहे हैं इनको। हाँ, और तो ये सुबह राग भी सुबह की है। के राग में ये बंदिश का जो जो उस उन्होंने स्वर रचना की है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी रात बिता के सुबह जब इनको मिलने आई तो उन्होंने कहा कि वहीं जाओ तुम जहाँ थे रात भर। तो वो एक जो पहले तो बात है कि मूल जो राग का जो एक सोचना कि ये क्षण कब हो सकता है, ये सुबह के समय ही हो सकता है, क्योंकि जब रात बिताने के बाद सुबह जब आप वापस घर आए हैं तो आपको खरी खोटी सब सुननी पड़ रही है, सब इनको डांट पड़ रही है कृष्ण भगवान जी को। तो वहां से शुरू होता, आगे बता। तो एक तो उनकी कई सारी बंदिशें हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है हमको विचार करना ही चाहिए। लेकिन एक जो चीज है कि मैं सबसे पहले बताऊं कि जब मैं 1992 में मैं एक चाह रही थी कि एक मैं अपने कुछ मैंने उनके साथ थोड़ा सा काम, बहुत ही थोड़ा सा काम करने का मेरा सौभाग्य रहा, तो मैं एक कैलेंडर और डायरी बनाना चाह रही थी। मेरा मेरे दिल और दिमाग में हमेशा ये था कि क्लासिकल म्यूजिक को मैं अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके जाऊं। तो 92 में मैंने कुछ डमी मतलब डमी मतलब बराबर से फोटो सेशंस किए थे बापू जी के, पंडित शिव कुमार शर्मा जी के, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के, और फिर वो एक बैंक ने उसको अप्रूव किया था, एक इंटरनेशनल बैंक ने। और लेकिन पूरा जो कॉन्सेप्ट फिर बना तो द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड उसकी जर्नी, और उसके बाद आगे जाके वो अब वर्ल्ड म्यूजिक में कैसे वो जाके महासागर बन गया है, गंगा सागर बन गया है। तो ये मेरे दिमाग में था, तो मैंने उसकी आउटलाइन लिखी थी, तो वो बड़ा अच्छा लगा था उनको, जो ये जो इंटरनेशनल बैंक थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे लगा कि ये मैं बात कर लूंगी और कहीं पे उसको फोटोग्राफ से तो दर्शाने वाली बात है नहीं, तो खप जाएगी। तो वो बड़े चार्ज अप हुए, तो उन्होंने कहा यू शुड राइट अ होल पैसेज अबाउट हाउ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिन कहाँ से हुआ, और वो कहाँ, ये जो पूरी जर्नी है उसको आप पूरे अपने शब्दों में लिखिए। तो मैं फंस गई, मैं काफी छोटी थी और मैं फंस गई। तो फिर मेरी माँ ने कहा तुम क्या फंसी फंसी सी बातें करो, डरी क्यों हो, तुम मुकुंद चाचा जी को फोन करो। और तो मैंने मुकुंद चाचा जी को फोन किया, मैंने कहा चाचा जी मैं ऐसा कुछ सोच रही, तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वो जिस तरह से बात करते थे, आपकी इतनी हिम्मत बढ़ाते थे कि लगता था कि जैसे ये बात और किसी ने वर्ल्ड में सोची ही नहीं। आपको ऐसा डेफिनेटली मतलब जब आप यंग होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सपोर्ट मिले, आपकी हिम्मत बढ़े, तो वो इस तरह से बात करते थे। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ मत चिंता मत करना, मैं तुमको सारा भेज देता हूँ। तो इन फ्यू डेज मतलब बिल्कुल 8-10 दिन में पेन से अपने हाथों से लिखित मेरे पास इतने पेपर्स आए, इतने पेपर्स जिसको मतलब अगर मैं कहूँ तो कुछ 40-50 पेपर उन्होंने खुद अपने हस्ताक्षर में, वो भी इंग्लिश में लिखा था, ताकि उनको लगा कि हम बच्चों को इंग्लिश स्कूल में डाला था तो अपनी सहज इंग्लिश में लिख के भेजा। और मैंने जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो एकदम जैसे मैं बहुत ज्ञानी हो गई हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन मुझे एक जो संगीत से हट के जो एक जो ज्ञान है, जो एक जो जिसको अब विद्वत्ता का जो एक सहारा चाहिए था, जो शब्दों का सहारा चाहिए था, वो जिस तरह से मेरे जिंदगी में आया, वो आज भी मेरा फाउंडेशन। जब मैं म्यूजिक के बारे में बात करती हूँ तो मेरे लिए फाउंडेशन वही है, नींव, क्योंकि बापूजी के जो संगीत के पर देखने की दृष्टि थी दृष्टि रही है हमेशा, वो है कि अरे चर्चा क्या, चलो मैं गा के बताता हूँ, तो वो एक तरीका है। और डॉक्टर मुकुंद लाल जी का ऐसा है कि उसकी एक उसको शब्दों में पिरोना, उसका इतिहास
करके एक आपको रेफरेंस पॉइंट देना, फिर उसको सहज करके आपको इमोशंस के साथ वो बात दिलों में घर करे। ये जो एक जर्नी रही है, एक शब्दों का, एक ज्ञान का एंड सॉलिड प्रूफ, जिसको हिस्टोरिकल एविडेंस, इसीलिए वो म्यूजिक इतने ग्रेट म्यूजिकोलॉजिस्ट है। और मेरे लिए वो, मैंने कहा कि ये मेरे लिए वेद है, मुकुंद वेद नाम एक होना चाहिए, जो हमारे संगीत की दुनिया में वो उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी जो एक विचार करने की जो एक दृष्टि और एक कंक्लूजन, क्योंकि हमारे संगीत का हिस्टोरिकल फैक्ट्स या एविडेंस, हिस्टोरिकल जर्नी है नहीं। तो अभी हमारे पास जो सारे लोग हैं जिनके पास ये रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ मेरे पास है, तो वो अगर उसको अगर हम कंपाइल करें, तो मुझे लगता है उस किताब का या उस एक डॉक्यूमेंटेशन का जो आजकल डिजिटल फॉर्म में हो सकता है, उसका नाम मुकुंद वेद होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो विद्वत्ता है किसी वेद से कम नहीं। और हर किसी को वो एक दृष्टि देते हैं, हर किसी का वो पाथ प्रज्वलित करते हैं। और वो, जैसे मैंने कल भी कहा कि सचमुच इसे ऐसे लोगों के बारे में बात करने की तो योग्यता ही नहीं है। और इसीलिए मैं 2-4 दिन से आनाकानी कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट दीज टावरिंग पर्सनैलिटीज, मुकुंद चाचा जी एंड बापू जी। हाँ, वो हमारे, मतलब मेरी खुशकिस्मती है कि भगवान ने मुझे इस घर में पैदा किया, और लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो मेरे कुछ पिछले जन्म के कर्म है। लेकिन जब बात समझ में आती है कि ये कितने विशाल लोग हैं, तो आप अपने आप को और भी छोटा छोटा समझ, आपको समझ में आता है कि ये एक महासागर में एक बूंद बनना भी बहुत मुश्किल है। और सचमुच उनसे चुराई हुई रोशनी से ही कुछ हम लोग अपनी जिंदगी की रोशनी ढूंढते हैं। और उन्होंने एक बहुत, तो वो जो कैलेंडर और डायरी बनी, और जब उसको मैंने एडिट किया तो मैंने उनको भेजा, मैंने कहा कुछ कुछ मैंने भी अपने थॉट्स लिखे हैं, तो उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। और उस कैलेंडर और डायरी को इट गॉट नॉमिनेटेड इन यूरोप फॉर द वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल आइडियाज इन द वर्ल्ड फॉर दैट ईयर इन 1994 में वो रिलीज हुआ था, एंड इट गॉट दी अवार्ड। तो तब मैं बहुत टेलीविजन के दुनिया में बहुत बिजी हो गई थी, तो वो उस चीज को मैं ना तो उसके बारे में कभी चर्चा हुई, ना कभी प्रेस में वो बात हुई, ना कुछ, मतलब बहुत लाइफ ने डिफरेंट टर्न लिया। और वहां से फिर जब जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे संगीत के बारे में जानकारी मुझे चाहिए, मुझे कुछ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो, और जो मुझे सरल भाषा में कोई अगर समझा सके, तो मैंने बेझिझक हमेशा मुकुंद चाचा जी को ही फोन किया, कभी जयपुर में रहे तो उनसे चर्चा करी, कभी उन्होंने कुछ कुछ चीजें मुझसे लिखवाई थी अबाउट फोक म्यूजिक, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसेस ऑफ फोक म्यूजिक इन क्लासिकल म्यूजिक, उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे बताई, समझाई। तो वो एक दिल और दिमाग में ऐसा घर कर गई है कि आपके थॉट प्रोसेस का वो एक एक जीवंत उदाहरण बन जाता है। उसका अगर उदाहरण मैं अगर एक दूर, रतन भैया को आप स्क्रीन पे रखिए, क्योंकि उसका उस वो चर्चा कर सकते हैं इस विषय पे। तो उसका अगर जीवंत उदाहरण दूं, तो जब जलसा के बारे में सोचा गया, तो क्योंकि मुकुंद चाचा जी के थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि वेदों से फोक म्यूजिक निकला है, फोक म्यूजिक से अलग अलग जो शास्त्रीय संगीत निकला है, और एक समय था कि कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों एक ही शास्त्रीय संगीत थे, अलग नहीं थे। उसके बाद उन दोनों का विभाजन हुआ बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस, और फिर बाद में उसका जाके विभाजन हुआ है। तो ये सारी जो जर्नी है, और फिर उसमें से सेमी क्लासिकल कैसे कैसे निकले हैं, या उसमें से फिर फ्यूजन कैसा निकला, तो ये जो थॉट प्रोसेस उन्होंने जब समझाया, और उसके बहुत इन डेप्थ उन्होंने जब सहज रूप में समझाया, तो मेरे दिमाग में जब जलसा की बात आई, एंड मैंने जलसा, क्योंकि एक मेरे जीवन में बहुत बड़ा, उसका बहुत बड़ा महत्व है, तो आई कुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वन जॉनर ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड अनदर। वो हमेशा से ही सारे जो संगीत की विधाएं एक महासागर बन के मेरे दिल और दिमाग में छाई रही। कौन उसके अच्छे प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, कौन नहीं, वो बात अलग है, लेकिन जो एक देखने का समान रूप से एक दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक विधा नहीं होती तो दूसरी विधा उसमें से कैसे निकलती, और अगर निकलती तो उस रूप में नहीं निकलती जिस रूप में आज हम जानते हैं।
तो ये दृष्टि मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जो समझने का जरिया, बापूजी ने तो उस पे प्रेम करना सिखाया, हर एक विधा पर प्रेम आप कैसे कर सकते हो, सुरों का असर आप पर अगर असर हो तो दिल को इतना जोर से छूता है कि आंख से आंसू निकलने ही निकलने, चाहे वो भजन हो, कीर्तन हो, रोहिणी संगीत हो या कव्वाली हो, उसमें कभी कोई फर्क नहीं हुआ है, या गुरबानी हो, फर्क नहीं है। बापूजी ने प्रेम करना सिखाया और मुकुंद चाचा जी ने उनको देखने की दृष्टि दी। ये बहुत बड़े जीवन के एक स्तंभ है जिसको हम दिल और दिमाग कह सकते हैं, मगर और हर हर बार वो एक ही जगह आके रुकते हैं जहां पर डिविनिटी का एक एक फोर्स है। दोनों दिल और दिमाग एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, जिसको मैं कहूंगी कि जो एक डिवाइन अवेकनिंग है ऑफ योर माइंड बॉडी एंड सोल। ये मेरी एक बहुत हम्बल सबमिशन है, और रतन भैया प्लीज आप इस पे बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हो, मेरे मेरे से कई 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 ज्यादा क्वालिफाइड अरविंद, हो। तो अर्पण जी आप भी हमको थोड़ा थोड़ा बीच में रोक के कुछ पूछिए, वरना हम लोग एक तरह मोनोलॉग हो रहा है। नहीं, आपको जितना हम लोग सुने कम है दुर्गा जी। जिस तरह से आपने मतलब ज्ञान को और संगीत को दोनों ही धरातलों पर, सैद्धांतिक पर भी और व्यवहारिक स्तर पर जिस तरह से साध रखा है, और जो पूरी की पूरी विरासत को आप लेकर चल रही हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो इसमें कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है, बस आपको सुनते जाएं। और ये अगर मैं बोलूंगा तो लोग मुझे मार डालेंगे कि भाई आप दुर्गा जी को क्यों रोक रहे हैं। नहीं, अगर आप जी कुछ पूछेंगे तो उसमें से कोई नए नए देखने का या और भी कोई चीज याद आ सकती है, तो इसीलिए मैं कह जी रही हूँ। जी जी मगर शर्मा जी जी आप रतन मोहन कहिए। जी, जी इसको आगे बढ़ाएं इस बात को। जी मेरा भी उनके साथ में, क्योंकि मैं और दुर्गा भी हम लोग काफी संस्कृत भाषा पर काम किए हैं और करते आ रहे हैं, तो जब भी कुछ भी जहाँ पर भी अटकते थे हम लोग तो उनसे उनसे बात करते थे। और एक बार मैं कुछ वेदों पर कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि सामवेद में पहली बार जो नोटेशन जो हम लोग इसमें क्लासिकल में करते हैं, तो नोटेशन सामवेद में पहले से ही था, और उसमें उस बारे में वो बताते गए। तो मुझे लगता है कि मुकुंद मामा का जो ज्ञान है वो सिर्फ 100 साल का या 80 साल का नहीं, मुझे लगता है 2000 साल का ज्ञान उनमें वो एकदम लेके चलते थे। उनको कुछ भी पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए, हर एक कोई भी विषय पर वो बहुत अच्छा बता रहे। और आप वेदों की बात करिए, आप आज की बात करिए, क्यों दुर्गा, कोई भी मतलब विषय पर उनको कोई, वो जब शुरू हो जाता तो शुरू, हाँ बताओ। शुरू शुरू होने से पहले हम लोगों ने एक हम लोग गर्मी गर्मियों की छुट्टियां हमने जिंदगी में बहुत कम ली है। एक जी बार तो हम लोग मेरे नाना यानी कि डॉक्टर वी शांताराम जी के जो एक पन्हाला में घर है, वहां पर जो कोल्हापुर का के पास में एक हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में, वहां पे गए हैं। सानंद गए हैं, जहाँ पर सानंद बापू, बापू जी के स्पिरिचुअल गुरु सानंद के महाराजा जयवंत सिंह जी वाघेला, वहां पर 2 बार गए हैं। और मुकुंद चाचा जी यानी कि डॉक्टर मुकुंद लाट जी के घर जयपुर में गर्मियों की छुट्टी एक छुट्टी मनाने गए। बेतहाशा गर्मी में भी हमें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि ऐसे अच्छे हम लोग कंपनी में थे। तो कभी वो चलो हम लोग हमको हमारे हिसाब से वो ट्रीट करते थे, ऐसे हमारे पे बोझा कभी नहीं डालते थे कि तुमको रियाज करना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए। हम लोग एक बताएं, हम लोग बहुत मस्ती करने वाले बच्चे थे, हम लोग कोई स्टूडियस बच्चे नहीं थे। हम लोग बिल्कुल ही मतलब बचपन में अगर आप उसको देखते तो जरूर कहते कि इन बच्चों का कुछ करने वाला जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही वेस्ट है, और पंडित जसराज जी का नाम खराब करेंगे, सब अपने ना बाप दादा की मेहनत पे पानी फेर देंगे, ऐसा मतलब हम लोग मस्ती करते रहते। उस वो लगता था वो एक बहुत बड़ा मिशन है लाइफ का।
तो उसी मूड में रहते थे चाचा जी भी। तो चाचा जी बोले चलो चलो मैं आज तुम लोगों को किताबों की दुकान में लेके जाता। तो हम लोग तो बड़े टेंशन में, हे भगवान, मैंने कहा अब तो गए और पता नहीं कितने किलो की किताब खरीदवा देंगे और बोलेंगे अभी पढ़ो मेरे सामने, और मैं दो भी पन्ने पढ़ूंगी तो मुझे नींद आ जाएगी, तो बहुत डर गई। तो हम लोग गए और आप यकीन मानिए वो किताब की दुकान इतनी बड़ी थी, और या तो मेरे बचपन का एक प्रभाव जो मैं कहूँ कि एक तो इतनी, ये तो हमें पता चल गया था कि बहुत बड़ी हस्ती है, और ये आपके माँ बाप बताते हैं आपको कि आप किन से परिचित हो रहे हैं, या ये इस आदमी की महानता क्या है, या हमारे घर में एक चीज ये भी थी कि बहुत विद्वानों का आना जाना, स्पिरिचुअल लीडर्स का आना जाना, वेद पुराण पे चर्चा, मुकुंद चाचा जी का रहना, कई बार मुकुंद हमारे इतने छोटे से घर में लेकिन इतने बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े म्यूजिशियंस, फिल्म मेकर, ये सारे लोगों का आना जाना बहुत नॉर्मल बात थी। तो उनकी जो ग्रेटनेस थी उसका परिचय मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों को जाता है। तो ये हमको जब लेके गए किताबों के दुकान में, आप बिलीव करिए हमको सबसे पहले कॉमिक्स के सेक्शन में लेके गए। कैन यू बिलीव, कॉमिक्स जहां रखी थी एस्टेरिक्स, रिचिरिच, बहुत बढ़िया। आर्ची, और बोले चलो आज इतनी एस्टेरिक्स खरीद के लाए। और मैं इतनी, मतलब हम लोग का ऐसे लगे जैसे कि वी आर सो फ्री, हम लोगों को लगा हम पंछी, हम उड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ मतलब भार नहीं लगा। वी वर सो हैप्पी, अरे ले लो ये बड़ी अच्छी किताब है, बहुत मजेदार है, तुमको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। इसको कहते कि बच्चों को आप कैसे आकर्षित करें टुवर्ड्स रीडिंग। उन्होंने ये बालम तो जान, विज्ञान। हाँ, ये इन्होंने ये नहीं कहा कि ये साइंस की किताब पढ़ो, वेद पढ़ो, कुछ नहीं, एस्टेरिक्स की किताबें खरीदी, रिचिरिच खरीदी, ये वो। और यू वोंट बिलीव कि इसके पहले कि हम लोग घर पहुंचे उसको पढ़ते, सारी किताबें अपने कमरे में लेके गए, लेट के, वो हमेशा लेट के पढ़ते थे, एक और एक पैर को ऐसे ऊपर रख के, और पढ़ते पढ़ते जोर जोर से हंस रहे थे। तो मुझे आई, मतलब ये बचपन के थॉट से, तो मैं तब भी नर्वस थी, तो मुझे लगा कि ये शायद मेरी माँ को बता रहे होंगे या निर्जा चाची को बता रहे होंगे कि अरे बच्चों कैसे बच्चे, मैं उनको एस्टेरिक्स खरीद के वो हम लोगों का मजाक उड़ा रहे होंगे। लेकिन वो एस्टेरिक्स पढ़ के हंस रहे थे जोर जोर से, उनको वहां का जोक, उनका ह्यूमर से जोर जोर से हंस रहे थे। एंड दैट इज मुकुंद चाचा जी जिसके साथ हमारी दोस्ती शुरू होती है, वो हमारे लेवल पे आ गए। ये एक बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े इंसान की पहचान होती है। आप विद्वान तो बाद में होते हैं, आप पहले अच्छे इंसान को कितने लोग हैं मुझे बताइए, विद्वान तो आपको मिल जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन अच्छा इंसान जो इतना बड़ा विद्वान हो, क्योंकि विद्वत्ता से पहले घमंड आता है, ह्यूमिलिटी जी तो एकदम लास्ट स्टेज होती है। मगर मुकुंद चाचा जी उस दिन हमारे दोस्त बने, हमको लगा कि अरे ये तो हमारे जैसे है। बाद में उनसे बात करने की हिम्मत जुटने लगी, वो सारी चीजें, सारी ये सारी चीजें उसके बाद शुरू होती है। लेकिन रतन भैया ये किस्सा शायद तुम थे उस ट्रिप पे, पता मैं था उसमें। है कितने जोर से हंस रहे थे, और हम लोग सब ऐसे देख रहे थे ऐसे। फिर निर्जा चाची ने कहा अरे मुकुंद तो हंसते ही रहते हैं किताब में, तो उनको ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर्स उनके जीवित होके उनसे बात कर रहे। और फिर उन्होंने हमको बाद में कहा कि, मैंने कहा चाची जी हमको भी दीजिए, तो उन्होंने जब जो खत्म हुई थी उनकी पढ़ के वो दी। खैर वो तो बहुत फास्ट रीडर थी, मगर पहले खुद पढ़ेंगे फिर बाद, किताबों के बारे में वो को लेके वो बहुत पोजेसिव होते थे, और बहुत उनका एक जो देवर ऑल द बुक्स इंक्लूडिंग कॉमिक्स वर लाइक लिविंग बींग्स फॉर देम। उनको उनको इंसानों में और किताबों में कभी कोई फर्क नहीं, उनको लिविंग बींग्स थे वो, उनसे वो उनका आदान प्रदान होता था। तो एक बहुत गहरा रिश्ता मैंने बचपन में देखा और वो मेरे दिमाग में एकदम एच्ड है। कुछ और तुमको इसके बारे में, उनकी लाइब्रेरी के बारे में बता सकते हो कि क्या लाइब्रेरी उनकी लाइब्रेरी, वो, बाप रे कितनी बड़ी, ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी, वो देख के भी ऐसा लगता है बाप कितनी किताबें, और उन्होंने हर किताब पढ़ी हुई। बाप वो तो पढ़े ऑफ कोर्स, और उसके वजह हर से बड़ी किताब बात। उन्होंने, ये मैं बताऊं, इतना बड़ा मुकुंद चाचा जी का, निर्जा चाची जी का जो घर है जयपुर का, तो पूरा जो बेसमेंट एरिया, तो वहां पे इतनी बड़ी बड़ी, मुझे लगता है 40 फीट की रैक्स थी,
और वो सारे रैक्स, इतनी रैक्स, इतनी रैक्स, इतनी रैक्स पे, हर एक रैक पे इतनी सारी किताब, किताब के ऊपर किताब, किताब के ऊपर किताब, और ताकि वो एक, मतलब जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि लाइब्रेरीज बड़ी बड़ी होती हैं और एक मतलब सीढ़ी लगती है और ऊपर जाके वो किताब निकालनी, वो उनके घर कई सारी लाइब्रेरियों से बड़ी लाइब्रेरी उनकी थी, बहुत सारी, मतलब अगर आप इमेजिन करिए कि चार बड़ी लाइब्रेरीज, आप जो भी अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं, आपने अगर लाइब्रेरीज देखी तो उनको इंटू फोर कर लीजिए, वो उनकी घर की लाइब्रेरी थी, और उनको एग्जैक्टली पता था कि कौन सी किताब कहाँ पे रखी हुई है और कौन सी किताब के कौन से अध्याय में, कौन से चैप्टर में कौन सी बात कही हुई जिसका रेफरेंस वो दे रहे हैं। तो ये, और हर एक किताब के बारे में उसकी चर्चा, उसका रेफरेंस पॉइंट ऐसे हाथों पे था, मतलब, और उसके लिए उनको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, उनके दिमाग में एकदम चीज छप जाती थी जैसे। तो मैंने बहुत बात की है रतन भैया, आपको बात करनी चाहिए। जी रतन जी, कुछ आप कुछ अपने संस्मरण साझा करें जी जी, कुछ बाहर के भी करें, जब आप लोग इस म्यूजिकल टूर पर जा रहे हो और मुकुंद जी और पंडित जी भी रहे हो उस समय, कुछ ऐसा कुछ। उनकी बातें हम लोग सिर्फ सुनते ही रहते हैं। और एक बात मैं ये बताऊं कि जब हम लोग छोटे थे, ऑफ कोर्स हम लोग भी छोटे ही थे, तो हम लोगों को उदाहरण दिया जाता था कि घर में कोई आए तो उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो वो मुकुंद मामा का उदाहरण देते कि मुकुंद ऐसे उन लोगों को, जब कोई घर पे आए मेहमान, तो कैसे आप उनको वेलकम करें। हम लोगों को लगता था कि हर चीज में मामा जी के, मुकुंद मामा मतलब ऐसे रोम रोम में छाया है। जैसे अभी हम लोग पहले आके इतना कोई बैठा है घर में तो जाके निकल गए, पास में निकल गए, तो मामा जी और मामी जी दोनों ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं, तुम लोग अपने घर में इतने, और ये बहुत पहले की बात है, तब तो कहा कि मुकुंद ऐसे उनको नमस्ते करना या कैसे, वो उनका उदाहरण दे के हमको बताते। अभी मैं ज्यादा शायद बोलने में, हमने वो एक अलग अलग जी कुछ डिपार्टमेंट, बंदिशें, कुछ और हाँ बंदिशें भी डिपार्टमेंट लोग। हमने बांट मैंने रखा है। आपको एक तो किस्सा बताना चाहती हूँ जो मेरी माँ के दिल में, उसका मतलब बहुत बड़ा एक घर है। एक किस्सा है मुकुंद चाचा जी की, इंसानियत का किस्सा है, प्रेम का किस्सा है। बापूजी और मेरी माँ की जब शादी हुई थी तो हालात घर के बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे, फाइनेंशियल हालात, कभी खाना खाया तो ठीक, नहीं तो कई दिनों तक खाने से वास्ता ही नहीं, ऐसा मतलब हाल होता था। तो एक दिन शायद बापूजी घर पर अंदर आए और मेरी माँ से कहा कि कुछ पैसे हैं क्या, तो घर पर पैसे नहीं थे, तो कुछ कुछ कहा नहीं उनको किस चीज की जरूरत थी, और मुकुंद चाचा जी ने वो बात सुन ली, बाहर बैठे हुए थे शायद, बाहर मतलब क्या, घर ही बहुत ही छोटा सा था, तो उस दिन तो खैर कुछ हुआ नहीं, लेकिन दूसरे दिन मुकुंद चाचा जी ने कुछ कहा नहीं, ऐसा नहीं कि चाय चाहिए या, क्योंकि उनको पता था कि शायद आज कुछ घर में होगा ही नहीं घर में। तो जाते वक्त उन्होंने मेरी माँ से कहा कि भाभी बिस्तर के नीचे देख लेना कुछ सामान किसी ने कोई रखा है कुछ। तो मेरी माँ ने बोला क्या सामान हो सकता है, तो उसे ध्यान नहीं दिया, तो बाद में जब उसने देखा बिस्तर के नीचे कुछ सामान रखा हुआ, किस कुछ चीज कागज पड़ा है देख लेना, तो मुकुंद चाचा जी ने उस वक्त 300 रुपये रख के गए थे, और उस वक्त वो 300 रुपये मुझे लगता है आज की तारीख में वो 300 करोड़ से भी ज्यादा उसका महत्व था, क्योंकि जिस घर में एक एक पैसा भी नहीं था नया पैसा, तो उस वक्त वो 300 रुपए की क्या महत्ता है, क्या महत्व, या उसकी क्या इज्जत। तो मेरी माँ वो कहती है वो ऋण तो आज भी कभी मुकुंद का चूक ही नहीं सकता, क्योंकि वो बिना कहे बिना कुछ मांगे मुकुंद चाचा जी हमेशा इस परिवार से इस तरह से प्रेम से जुड़े रहे कि क्या बताऊं मैं, इसके आगे तो सारे शब्द मौन हो जाते हैं। तो वो एक ऐसा किस्सा है जो मेरे मुंह से बहुत ठीक ठीक लगता है, लेकिन मेरे माँ आज भी जब उस किस्से को याद करती है तो जार जार रोती है, और वो कहते ये मुकुंद है, ये उस वक्त ऐसे वक्त पे हाथ थामे हुए था जब पूरी दुनिया
साथ निभा नहीं पा रही थी, मतलब निभाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इतनी गरीबी की हालत में कोई आपके पास खड़ा रहे वो बहुत बहुत बड़ी बात है, और इतने प्रेम से, उसमें कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। जी, एक सहज भाव कहें, और संभवतः पिंकी कॉल जी कह रही हैं कि यह वाला प्रसंग रसराज में भी वर्णित है ना? हाँ, जी 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 ये बहुत इम्पोर्टेंट किस्सा है, जी मतलब आई मेरी माँ के लिए वो बहुत ही बड़ा, मतलब उसके, क्योंकि वो किस घर से निकली थी और जी उसके बाद हाँ उसने माँ बाप से कभी एक रुपया मांगा ही नहीं, तो बस उसका जो भी उसने अपने जो एक अपनी जीवनी शुरू की बापूजी से, तो उस जिंदगी में मुकुंद चाचा जी का इतना बाकी की दृष्टि से भी एक सहारा था, सांगीतिक दृष्टि से, विद्वत्ता की दृष्टि से, जैसे कहा आदान प्रदान होना, एक सही वक्त पे होना, एक सही माहौल में रहना, और ये वाला भी एक मेरी माँ की जिंदगी में, या बापूजी की, खैर वो तो कहते ही मुकुंद बाबू कहते कहते हमेशा ही कहते रहे, और ये मेरी माँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, लाइफ का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इमोशनल पॉइंट है। जी अब आप कुछ गाओ शर्मा जी। हाँ, थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा यहाँ पर दुर्गा जी हो गई है, स्वाभाविक भी है, समझ में आती है बातचीत। जी उनकी जो एक बंदिश मुझे बहुत बहुत मुझे अच्छी लगती है, मुझे सारी बंदिशें अच्छी लगती है, पर ये जो मामा जी का था, अब ही बैरन भोर भई, ये राग ललित की है, अब ही बैरन भोर भई री रैन मीत प्राणन को आयो, रैन मीत प्राणन को आयो उरसो लाग रही, आजहु पिए पाहुन जिन जाओ, पहली धरक हूँ गई न अबलो औरन जात सही। अभी एक तो इतना कठिन इसके जो अर्थ भी है, बहुत छोटे इसमें उन्होंने, आज वो पिए पाहुन जिन आओ जाओ, पहली धड़क मतलब जो धड़कन जो है वही अभी तक, मतलब वो उतना, पहली धड़क धड़क हो गई न अब लो और जात, और जो मतलब जो धड़कन जो मतलब मिलने की जो एक वो इच्छा है, तो इतने वो मन धड़क रहा है, और वो धड़कन के एक पहली धड़क धड़कन भी वो जो उनसे सही नहीं जा रही, तो आगे की धड़कन कैसे सहेंगे, तो ये मैं गा रहा हूं। अब अब ही पैरन प्राणन को प्राणन को आयो और सोला रे अब आज पिया पाहु तो ये
राग ललित की बंदिश है, मुझे बहुत पसंद है। और जब जब मामा जी गाते हैं तो इसका फिर और भी जो मिठास है वो, और वो मामा जी कहते हैं भाई क्योंकि मुकुंद मामा की लिखी हुई है, तो जो भी मुकुंद मामा की लिखी उसको इतना उनको प्यार से, क्यों दुर्गा सही है ना, मतलब उनके वो मुकुंद मामा की वो तारीफ करते 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 उनको, हमने तो सिर्फ तारीफ सुनी, कभी ये सुना ही नहीं मुकुंद मामा ने कोई कहीं गलती मगर दोनों की मैंने सुना है, हम लोगों ने की। विटनेस नहीं किया क्योंकि जब तक हम लोगों को समझ में आने लगी बातें तब तक दोनों की मेच्योरिटी लेवल अलग थी, और शायद दोनों अलग अलग शहरों में भी रहते थे तो इसी की वजह से कम मिलना होता था, और जब कम मिलते हैं तो सिर्फ जब मिले तो तब सिर्फ प्रेम ही देखा। लेकिन दोनों के दोनों कहते हैं कि इन दोनों में बड़ी सारी चर्चाएं होती थी, बहस होती थी, अनबन होती थी, यहाँ तक कि मतलब रात रात में बात नहीं करते थे, अलग अलग सोते थे अरे हिस्से में, और फिर लेकिन जब सुबह उठते थे या जो भी होता था तो फिर बात कहीं ना कहीं वो दोनों का एक जगह पे आके दोनों थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके एक पॉइंट पे आके बैक टू डिफर, लेकिन वो करके वो मतलब मान लेते थे। और एक चीज हमेशा मुकुंद चाचा जी को मैंने देखा है कि उन्होंने अपने विद्वत्ता का कभी ये नहीं किया, बखान बखान नहीं किया। नहीं किया और उसके ऊपर अड़े नहीं रहे, उसके ऊपर वो जिद करके नहीं बैठे कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है क्योंकि ये मेरे मुझे। तो अगर बापूजी ने कुछ प्यार से भी बात की तो फिर उनकी, हाँ ठीक है पंडित जी अगर आप कहते तो फिर यही सही है, ये भी मैंने। तो एक अलग दोनों की देखने की एक जो दृष्टिकोण रहा है ना, बहुत अलग रहा है। अच्छा एक किस्सा जो बहुत ही बहुत 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 फेमस भी है वो है कि दोनों ने एक बार ठानी कि दोनों बद्रीनाथ और केदारनाथ जाएंगे चलकर, तो फिर उनके एक साल पहले उन्होंने सोचा कि मुकुंद चाचा जी ने, और बोले कि अरे हम लोग कैसे जाएंगे, कितना खर्चा हो जाएगा। बापूजी ने कहा आप तो बड़े घर के हो, आप कर लोगे हिसाब, हम मैं कहाँ से करूंगा। बोले नहीं, ऐसा करिए जसराज जी, आप 500 का एक साल में आप कर लीजिए इकट्ठा, मैं भी 500 इकट्ठा करेंगे, हम लोग घर से नहीं मांगेंगे, अगर कुछ बात जमी ही नहीं तो फिर घर से ले लेंगे, लेकिन 500 आप भी कमाइए, 500 मैं भी कमाता हूँ। तो दोनों ने 500 500 रुपये अपने इकट्ठा करे और फिर ये लोग पैदल पैदल गए बद्रीनाथ केदारनाथ। तो वहां पर बापूजी को क्योंकि शायद पैदल चलने की आदत ज्यादा होगी क्योंकि लाइफ में पैदल ही चलते थे तब तक, तो फिर वो पैदल चलते चलते, तुमको वो टप्पा आता है कि नहीं आता है, लेकिन वो टप्पा बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि वो टप्पा सच हो गया। तो बापूजी आगे आगे चल रहे थे, मुकुंद चाचा ही पीछे पीछे चल रहे थे, तो उन्होंने राजस्थानी में एक मारवाड़ी में एक टप्पा लिखा, अः मारो साथ निभा जो जी, साथीड़ा मारो साथ निभा जो जी, साथीड़ा मारो साथ निभा निभा जो जी है ना। ला ओ साथीड़ा मारो साथ निभा जो जी लारा छोड़े मारो साथ निभा जो जी, ऐसा ही कुछ है। मैं तो दुर्बल, मैं तो अति दुर्बल, बड़ो भाग जो थारो साथ 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 मैं मिले, तो ये जो दुर्बल पहले चरणारी जी ओ पहले दोनों लाइन तो बोलो क्योंकि उसका फिर आएगा। वो बापूजी चल रहे थे आगे, ओ साथीड़ा मारो साथ निभा जो जी पूरा तो दुर्बल
मारो साथ निभाजो जी इसका अंतरा बड़ो भाग जो थारो साथ निभा थारो बड़ो भाग जो थारो संग पायो हाथ बाह पकड़ बाह पकड़ बाह पकड़ सॉरी जो बड़ो भाग थारो साथ थारो साथ मिला पायो बाह पकड़ सॉरी वो तो पहले भी वही पे सॉरी बोले आज देख रहे थे वही पे सॉरी बोले अभी सॉरी बोल रहा है ये वाला जो ये जो पॉइंट है ना कि बड़ो भाग थारो साथ मिला पायो तो ये वाला जो मुझे ऐसे जैसे आज याद आई मुझे बंदिश की ये टप्पा की स्वर रचना बापूजी ने की तो बात ऐसी हुई कि ये मुकुंद चाचा जी ऐसे ये शब्द कहने लगे ये तब तब टप्पा नहीं था एक बंदिश के रूप में उन्होंने शब्द कहना शुरू किया। बापूजी आगे चल रहे थे और जब वो मुड़ के मुकुंद चाचा जी के पास आए जैसे फिल्मों में होता है कि जब मुड़ के मुकुंद चाचा जी के पास आए तब उन्होंने कहा बड़ो भाग मारो जो थारो साथ पायो तो ये लिटरली उन्होंने उस वक्त कहा और फिर उसको बापू जी ने स्वरबद्ध किया एक टप्पे के रूप में। तो ये पहला मारवाड़ी टप्पा है क्योंकि अभी तक जो टप्पे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गाए जाते हैं वो सब पंजाबी में होते, मारवाड़ी में ये एक मेव टप्पा है। तो इसको भी ये लोग जब वापस आए बद्रीनाथ से और केदारनाथ से तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे ताऊ जी यानी कि पंडित मणिराम जी मतलब बापू जी के बड़े भाई साहब कि उनको बताने की भी हिम्मत नहीं हुई कि हम लोगों ने टप्पा बनाया। तो उन्होंने वहां पर बताया पंडित मणिराम जी को कि भाई साहब हम लोगों ने एक वहां पे बद्रीनाथ बद्री का आश्रम में एक हमको ऋषि मुनि मिले तो बोले अच्छा तो बोले उन्होंने एक हमको मारवाड़ी में टप्पा सुनाया तो बोले अच्छा बताओ कैसे है क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी। तो उन्होंने बोला अच्छा तो बताओ गा के तो गा के बताया दोनों ने तो फिर उन्होंने तो ये तो बड़ा अच्छा टप्पा है तो उन दोनों को फिर अटेस्टेशन मिल गई कि ये टप्पा करेंगे। तब जाके फिर बात आगे निकली कि ये फिर टप्पा इन्होंने लिखा मैंने स्वरबद्ध किया क्योंकि कितना मतलब ये जो एक हमारे भारतीय संगीत में या भारतीय भारतीयता में जो एक बुजुर्गों की और बड़ों की जो इज्जत करने का जो एक तरीके है ना उसमें बहुत प्यार है उसमें बहुत खूबसूरत बातें हैं ये मतलब सोचिए आप। हाँ इस संकोच का भी अपना एक संगीत है दुर्गा जी, हाँ हाँ संकोच क्योंकि में भी एक उनको संगीत है जी, हाँ उनको आदर लगा कि देने में। हाँ हाँ उनको लगा कि शायद कहेंगे कि नहीं नहीं मारवाड़ी में कोई टप्पा नहीं हो सकता क्योंकि ये उनको जो ये भी सारे टप्पे लगा जो है ये शोरी शोरी कोई थे जिन्होंने बनाए, शोरी शर्मत वाला ले, तो ये उन्हीं के ही उनके सब जो पंजाबी में है तो ये मामा जी ने और उन्होंने ये जो बनाया तो उनको डरते दुर्गा जो बता रही है तो ऐसा ही कुछ हाँ कहानी है। तो ये सारी चीजें हैं और मुझे लगता है और एक चीज ये भी हो सकती है कि जब स्वर रचना की तो उनको ये लगा होगा कि शायद वो कहे कि ये टप्पे के खंड नहीं है ये टप्पे की ताने नहीं जो भी हो सकता है। उस वक्त उनको उनके गुरु ने जब कहा कि ये तो ठीक है बड़ा अच्छा टप्पा है तब उनको दोनों का धैर्य बना। बाद में खैर बाद बात बाहर निकली कि ये मारवाड़ी में टप्पा लिखने वाले डॉक्टर मुकुंद लाठ और स्वर रचना करने वाले संगीत नाथन पंडित जसराज। तो ये हाँ जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बहुत सुंदर है और ये अपने आप में इतिहास है कि एक मेवा मारवाड़ी टप्पा अगर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में है तो इन दोनों की वजह से है। तो ये और उसी समय की बात है, मामा जी बहुत बार बताते हैं कि जब वो गंगा जी किनारे पर एक खड़े थे और वहां पर एक पत्थर था और पत्थर से जो पानी जा रही और जो एक आवाज बन रही थी तो पत्थर के नीचे से जो आवाज बन रही थी तो वो ऐसा लग रहा था जैसे गमक आ रही। मामा जी बोल रहे हैं कि वो जो गमक जो उन्होंने उस दिन
उस दिन जो सुनी, और उसके बाद अपने उन्होंने गमक अपने गले में उन्होंने लाने लगे, और उन्होंने कहा ये कि भी बात। नहीं हाँ बोलो बोलो, नहीं नहीं बोलो। तो गमक के बारे में जो उस पहले गमक वो जो गाते नहीं थे सब, वो मामा जी बता रहे हैं कि पहले, मगर वो उसी समय वो जो गंगा जी ने बोले कि उनको गमक का वो सिखाया, वो कहते हैं शादी से रीधा ये जो गमक है वो उसी, और उसी मेरे ख्याल से उन वो दोनों इस वो जो यात्रा उनकी रही, तो एक बार और भी बता रहे हैं वो कि क्योंकि मामा जी के हाथ में एक छोटा तानपुरा भी रहता था, तो साथ में गाते गाते दोनों मिलके जा रहे हैं, तो एक कोई पूरा कोई संघ चल रहा था, ट्रुप चल रहा था, तो बोल रहे थे कि अरे देखो देखो ये नारद मुनि चल आ रहे हैं, दोनों को साथ में देख के बोला कि नारद है ये भी, तो मामा जी बताते थे ना दुर्गा हाँ, इसी मगर उसके इसी पहले एक चीज वो बोल वो उन्होंने कहा कि मुझे पहले गमक अच्छी नहीं लगती थी, ऐसा लगता था हाँ कि बहुत ज्यादा एक गले का काम है ज्यादा। लेकिन जब गंगा जी ने, वो कहते कि गंगा जी ने मुझे गमक सिखाई, तो वो बहुत उसी ट्रिप की, वो उसी यात्रा की वो बात यात्रा है कि उन्होंने, कि वो गमक से उनका रिश्ता बना, और फिर वो खैर आखिर तक आज भी रिश्ता चल ही रहा है, शायद ऊपर भी गा ही रहे होंगे। तो ये सारी चीजें बहुत एक अद्भुत काल उन्होंने एक साथ बिताया, जिसमें इतनी खूबसूरत संगीत की भी बातें हुई। मुझे लगता है दोनों के जो पर्सनालिटीज हैं वो दोनों एक अलग है। बापूजी एकदम एक्सट्रोवर्ट है, मुकुंद चाचा जी एकदम इंट्रोवर्ट रहे हमेशा, लेकिन दोनों को प्यार जताना आता था। दोनों एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, जो एक आदर है, जो रिस्पेक्ट है, वो दोनों को बहुत खूबसूरती से उसको निभाना भी आता था, और एक एक्सप्रेस भी करना आता था। तो एक और एक चीज जो मुकुंद चाचा जी की जो बारे में जो बहुत कुछ चीजें बताई हैं, लेकिन एक चीज जो उनके बारे में है कि जैसे एक मैंने 2014 में बापूजी की आवाज खराब हुई थी, और तो वोकल कॉर्ड्स कुछ बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो गए थे, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि ओवर यूज है, 2014 तक उनकी उम्र होगी शायद 84 इयर्स, तो ओवर यूज हो गए थे। तो तो जैसे मसल्स हैं, वो छोटे से मसल्स हैं, इतने साल गा ही रहे। तो हमने कहा कि मगर 30 नवंबर को तो उनको गाना ही है हैदराबाद में, उनको मंच पर बैठना ही है। तो 30 नवंबर का उनका उन्होंने रिश्ता निभाया है अपने पिताजी की, वो पुण्यतिथि है उनकी, और वो हैदराबाद में चल बसे। तो तकरीबन लास्ट ईयर 48 इयर्स हो गए उनको एक संगीत समारोह करते आ रहे। तो फिर मुझे सूझा नहीं, और मैं बापूजी की भी व्यथा नहीं देख पा रही थी कि वो गा नहीं पाएंगे मंच पे। तो मैंने उनको कहा कि चलिए बापूजी, एक ऐसा कार्यक्रम करते हैं जहां पर आप और मुकुंद चाचा जी बैठ के बातें करिए, और आपके सारे शागिर्द लोग आसपास बैठ के आप जो 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 किस्से बताएंगे, जो बंदिशों के बारे में बातचीत होगी, वो बंदिशें ये शागिर्द लोग गाएंगे। तो उस तो मेवाती घराने की जो बात की, तो मैंने कहा कि मेवाती घराने के इतिहास से हम शुरू करेंगे, और वो इतिहास से लेके हम आज तक और आपकी बंदिशों तक आएंगे। तो वो जो एक खूबसूरत खूबसूरत बातें उन्होंने बताई उसमें, कि ये मुझे लगता है कि जो हमारे संगीत के जगत के जो जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इवन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में घरानों के बारे में जो व्याख्या लिखी गई है कि घराने क्या है, और घराने कितने घराने हैं शास्त्रीय संगीत में, तो बहुत सीमित तरीके से उसकी परिभाषा, बहुत सीमित तरीके से उसका विवरण दिया गया कि यही 3-4 घराने हैं, और उसी से निकले हुए ये घराने हैं, बाकी के सारे घराने ऑफशूट्स हैं। तो उनकी सबसे पहली जो बात उन्होंने कही कि घराने तो तब बनते हैं जब पहले, सबसे पहले तो एक कोई ना कोई एक व्यक्ति एक घराना शुरू करता है,
और सबसे पहली बात तो उस व्यक्ति में कुछ ऐसी विशेष बात होनी चाहिए कि उनका गाना बाकी लोगों के गाने से अलग होना चाहिए, तब वो व्यक्ति घराना शुरू कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात है, और ये बात बिल्कुल, क्योंकि कोई भी घराने ऐसा नहीं है कि वेद और पुराण से निकले हुए हैं, किसी इंसान ने घराने को शुरुआत की है। तो ये बात शुरू हुई कि एक इंडिविजुअलिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है घराने की पर्सनल, घराने को सींचने में, और उसके आगे जो एक बात होती है कि घराने के धरोहर को आप कैसे आगे लेकर जाते हैं, उसमें आप हर राग को देखने की आप दृष्टि कहाँ से लेकर आते हैं। तो उन्होंने एक कहा कि एक पहले ही जनरेशन में जो फाउंडर है वो घराने की मेच्योरिटी देखना मुश्किल है, उसके लिए भी 2, 3, 4 पीढ़ी जब तक नहीं होती तब तक घराने का एक पर्सनालिटी नहीं बनती है। और उन बंदिशों के जब हम लोग उसके जब गा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जब तक कि मेरे दादाजी संगीत रत्न पंडित मोतीराम जी की बंदिशें आती हैं, तो बोले अब देखना कि घराने की एक ऐसा लग रहा है कि शक्ल सूरत उसकी एक पर्सनालिटी एक उसकी व्यक्तित्व बन व्यक्ति व्यक्तिमत्व बन बनते चला जा रहा है। तो उसके लिए ऐसा लगता है जैसे कि घराने की भी अपनी एक आयु अलग चलती है, कलाकार की अपनी एक आयु जो होती है उसको कला को लेके उसकी जर्नी अलग होती है, लेकिन उसके कंट्रीब्यूशन से जो घराने का जो एक जो पूरी एक आयु बन रही है उसकी लाइफ बन रही है वो एक अलग अलग स्वरूप लेते जा रही है। तो मुझे वो बात इतनी दिल में और दिमाग पे घर कर गई कि घराना एंड एन आर्टिस्ट हैव डिफरेंट लाइव्स, दोनों अलग पैरेलल चलते हैं, दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। घराने में उसकी उसका जो एक अमरत्व रह जाता है, जो कंट्रीब्यूशन एक कलाकार का होता है, उसकी कलाकार कलाकारी का या उसकी कला का अमरत्व घराने में रहता है, शरीर निश्वर है। तो ये जो चीजें हैं आज मुझे वो शरीर के बारे में समझ में आया, लेकिन ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है कि घराना एक आदमी से नहीं बनता है और घराना ये चलते ही जाता है जितने कलाकार जितनी पीढ़ियों में वो आएंगे। और एक चीज बहुत बड़ी उन्होंने कही, रतन भैया तुम भी थे सामने बैठे थे, तुम स्टेज पे नहीं थे उस वक्त, कि घराने में अपनी बंदिशें होना बहुत जरूरी। बंदिशें यानी कि म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, जिनको आप सिंपल वर्ड्स में अगर आप सोचे तो गाने। बंदिशें होना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर बंदिशें बनेंगी तो अपने गले के हिसाब से अपने गाने के हिसाब से उसका राग भी निकलेगा, उसकी लय बंधेगी, उसके गले की जो बातें हैं जिसको आप कलाकारी कह सकते हैं उसके गले की मुरकियां तान वो बनेंगी। अगर आप दूसरे की घरानों की बंदिशें आप खींच के गाएंगे तो उनकी गायकी भी साथ खींची चली आएगी। गायकी और बंदिश को अलग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बंदिश के साथ साथ गायकी अपना एक रंग लेके आती है। तो जैसे कि एक फिल्म का गाना अगर आप सोचे तो वो फिल्म की कॉम्पोजिशन, अगर आप मदन मोहन के बारे में सोचे तो आप अलग सोचेंगे, या अगर आप आज AR रहमान की बात करें तो अलग सोचेंगे, आपके दिमाग में ऐसे लगेगा अरे ये तो उन्हीं का गाना है। तो उन शब्दों को और उस गाने की पद्धति को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही शास्त्रीय संगीत में भी जो एक बंदिश है वो अपनी गायकी लेके आएगी, तो वो घराने की गायकी लेके आएगी। इसलिए हर घराने में नई बंदिशें होना, उसको एस्टैब्लिश करने में भी 2, 3 पीढ़ियां चलती है लगती हैं, और उसके बाद फिर ये भी होता है कि जब बहुत बंदिश फेमस होती है तो बाकी के घराने के लोग भी गाने लगते हैं। यहाँ तक कि आज की तारीख में मेवाती घराने की कई सारी बंदिशें, यहाँ तक कि माता काली का हो और भी सारी बंदिशें जो इवन कर्नाटिक शैली में गाई जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो संगीत की उन्होंने इतनी सहज सिंपल लैंग्वेज में, जैसे ए फॉर एप्पल सीखते हैं ना बच्चे, ऐसे सिखाते हैं, मतलब सिखाते भी नहीं है बताते हैं। अगर आप सीख गए तो आपका भाग्य, और वो भी मैं बताऊं, मैं जितनी बार ये सुनूंगी ना मुझे उसमें से एक अलग रंग अलग रस समझ में आएगा। अभी तक तो मैं इतनी ही बात समझ पाई, ये मेरी क्षमता की कमी है। जैसे जैसे मेरी क्षमता बढ़ेगी उनकी बातों की गहराइयां उसके रस उसके अलग अलग रंग हम समझ पाएंगे। रतन भैया तुम जरूर बोलो इस पे।
जी वो बहुत उन्होंने बहुत अच्छे तरह से समझाया कि घराना कैसे आगे बढ़ता है, कि जब तक आप अपनी बंदिश से, जैसे दुर्गा ने बताया कि अपनी बंदिश से नहीं बनाओगे तो आप अपने खुल के नहीं गा सकते, और खुल के गाना है तो फिर, क्योंकि दूसरों की बंदिश लेंगे तो फिर उसमें आपको थोड़ा बहुत भी आपको ज्यादा लिबर्टी नहीं ले सकते ये करते, तो ये जो और एक मुझे उनकी जो बात मुझे पहली बार पता चला कि उन्होंने समझाया कि हमारा घराना जो मेवाती घराना है, तो उस घराने में जो उस्ताद गग्गे नजीर खान साहब सीखे, तो उन्होंने बताया कि जब एक वो जो घटना हुई थी कि उनकी स्पर्धा हद्दू असू खान साहब से वो हुई थी, तो उसके बाद बड़े मोहम्मद साहब इतने दुखी हो गए कि उन्होंने फिर वो गाना, मतलब पहले उनका हर राजाओं के यहाँ गाना बजाना, उसके बाद वो एकदम अपने संन्यास टाइप का उन्होंने ले लिया, और वो जाके एक मेवात एरिया में चले गए और बोले कि जो भी जब भी आर्टिस्ट कहीं भी जाते हैं तो वो ऐसे बैठ तो नहीं सकते, उन्होंने और कुछ नहीं तो विद्यार्थी अपने तैयार करने शुरू कर दिए, तो उसी में ही हमारे जो घर के जो मेवाती घराने के जो फाउंडर है वो वहाँ तैयार हुए उनके। तो ये बात पहली बार मुझे समझ में आई कि जो कैसे कैसे जो गवैये होते हैं वो कहीं बैठते नहीं, उनका एक काम होता है कि वो आगे की पीढ़ी को तैयार करते रहे। तो मैं थोड़ा सा एक बंदिश गाता हूँ ताकि स्वर, हम लोग कौन सी गाएंगे बंदिश, मेरे साथ स्वर भी है तो हम लोग मिलके गा लेंगे, कौन सी गाए, काहे इतना इतना उनकी बंदिश काहे जो तिहारे कान मोह पे नैन मटका रहे। ये सही है कि मतलब एक एक सखी को दूसरी सखी कह रही है कि आज तुम्हारे बस में जो काना है तो तुम इतने क्यों इतरा रही हो, काहे इतनो इतरावे बस जो तिहारे कान मोह पे नैन मटकावे, आज तुम मेरे पे नैन मटका रही हो, अंतरा जस मोहे जस मोहे भजी ठारी, मतलब मुझे जैसे उन्होंने पहले मेरे साथ प्यार था और मुझे जैसे मोहे भजी ठारी भ्रमर तोहे तजी देगो, काहे
कहते भोरी मतलब कि तुम इतनी भोली हो कि आज तुम इतनी मटका रही हो, मगर जो ये खंडिता का एक भाव खंडिता है, खंडिता नायिका। नायिका का भाव है, तो दूसरे भी गा लेते हैं। और ये जो राग पहले वाला जो राग में कौन सी कांडा का है, राग कौन सी कांडा, ये मामा जी के स्वरबद्ध की हुई है, और जो शब्द है वो डॉक्टर मुकुंदलाल जी का है। मंत्र नहीं मंत्र नहीं तेरी मैं का गयो कारो राग वाह मंत्र क्या काटे को मैं का डस गयो कारो करे जो बाबा की जरत करे जो तो बाबा भव की जरत है, वो वो तो खिलत रंग सुखा मंत्र नहीं काटे को मंत्र नहीं तेरी मैं का दस गयो कारो नाग मंत्र नहीं मंत्र नहीं मंत्र नहीं। ये जो दूसरी बंदिश है ये भीम कौस की बंदिश है, तो ये सुंदर सुंदर उन्होंने कितना क्या क्या काम किया हुआ है। और एक बात मुकुंद चाचा जी के जो मुझे विशेष लगती है, और इन दिनों में जितनी भी आपने चर्चा की होगी अर्पण जी, आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट इट, कि जिस वक्त जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, इतना काम करने के लिए पूरी उम्र भी कम है। जैसे आज उनके संगीत के योगदान के बारे में अगर हम बात करें, या उनकी जो विद्वत्ता के बारे में बात करें, तो एक जीवन कम है। तो ऐसे कितने सारे उनके अलग अलग पहलू हैं जिनके लिए एक एक जीवन कम है, और ये सारा कार्य अगर एक जीवन में संभव है, तो ये जो रतन भैया ने बात की ना कि 2000 पहले का भी साल मतलब सालों का ज्ञान लेके चलते थे, मुझे लगता है हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमने उन लोगों को इस इंसानी रूप में देखा है। या बहुत बड़े ऋषि मुनि लोग हैं जिन्होंने बहुत चिंतन मनन करने के बाद उन्होंने एक ऐसे शरीर में उन्होंने इस जीवन व्यतीत किया, ताकि इस जो हम लोग सो कॉल्ड प्री कलयुग में हैं, मगर मुझे लग रहा है कलयुग आके काफी जमाना हो गया होगा, लेकिन हमें राह दिखाने के लिए, हमें कुछ समझाने के लिए, हमें कुछ समझाने के लिए और प्यार दिखाने के लिए इन लोगों ने, स्पेशली मुकुंद चाचा जी और बापूजी की बात करें तो उन्होंने साथ में जो जन्म लिया है वो आगे पीछे ऑफ कोर्स लिया, मगर इनका आना एक साथ इस सृष्टि पर बहुत कुछ करके छोड़ जाने के लिए था, और वो संपत्ति आप अपने कितनी बटोर सकते हैं, ये आपकी ताकत पे है, आपकी जैसे मैंने पहले भी कहा क्षमता पे है। तो आपकी जितनी क्षमता है उनको समझने की, वो हम अपने अपने दृष्टि से जब देखते हैं तो वो ही बहुत लगता है, लेकिन हर दृष्टि से हर तरीके से उनका जो एक कंट्रीब्यूशन है वो बहुत विशाल है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को तो एक उन विद्वानों को उनके नाम से एक अवार्ड देना चाहिए, जिसका नाम ही होना चाहिए मुकुंद वेद पुरस्कार। ये मेरी तरफ मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उनको वाह अब मतलब भारत सरकार को बापूजी के लिए क्या और मुकुंद चाचा जी के लिए क्या, ये अवार्ड से परे लोग हैं। इनके नाम से अवार्ड अगर दे तो उनके ऊपर जो जो लोग अवार्ड इसको स्वीकार करेंगे उनको एक आशीर्वाद के रूप से काम करेगा। जैसे आपका नाम आपको गाइड करता है, कहते हैं कि उसकी कुछ कुछ व्यक्ति की आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है आपके नाम से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो जैसे जब अवार्ड मिलते हैं
तो आपको प्रेरित करते हैं, आपको और कार्यरत करते हैं कि आप आगे अपना कुछ जो अपने जीवन में आप जो बेस्ट कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि इस जीवन काल में इतना संभव है, इतना उन्होंने दिखाया जो मुझे लगता है चमत्कार से कम नहीं है। जी, इस बिल्कुल सही कह रही हैं दुर्गा जी कि इतने सारे काम जो मुकुंद लाठ जी का हो, पंडित जसराज जी का हो, ये जिस तरह से संभव हुए तो ये इनकी अपनी एक भरी पूरी साधना है। और इनका जो संबंध है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह तो खैर अपने आप में कहीं न कहीं एक अलग ही रंग और गुण लिया हुआ संबंध है। और आज के संदर्भ में जिसकी आप बात कर रही थी अभी कुछ देर पहले, आज के समय की, तो आज जब संबंधों में या पारिवारिक रिश्तों में भी क्षण भंगुरता आ गई है, या वह अस्थायित्व नहीं है, या छोटी छोटी बातों पर इस तरह से झगड़े बढ़ जाते हैं कि लंबे समय तक अबोलापन रह जाता है, या फिर एक दरार ही अस्थायी रूप से आ जाती है, ऐसे में मुकुंद लाठ जी के और पंडित जी के, जसराज जी के ऐसे संबंध हमारे लिए प्रेरणादायक भी हैं कि हम इनसे सबक लें। और जो हमारी अपनी सभ्यता और संस्कृति है, जिसमें ऐसे तमाम उदाहरण हैं संबंधों के अंतिम अंतिम क्षणों तक निर्वहन के, तो उसको हम अपने जीवन में भी उतारें, तो कई ऐसी घटनाएं जो हमारे परिवार में या पड़ोस में या दोस्ती में घटती हैं, तो उसकी संख्या को भी हम कम कर सकते हैं इस तरह के प्रसंगों से। बिल्कुल। जी, रतन जी कुछ कह और रहे थे। जी नहीं, मैं हाँ बस दुर्गा सुन जी, रहा हूं उनके बारे में, क्या क्या बोले। ऐसा लगता है कि हर एक जो विषय है उन्होंने इतना, हर एक विषय को इतना गहराई से देखा है कि जो हम लोग मतलब एक कहा ना कि एक-एक विषय के लिए, दुर्गा ने जैसे बताया कि एक-एक विषय उनका मतलब पूरी जिंदगी के लिए काफी है, एक ही विषय, और कितने विषयों को उन्होंने लेके साथ में चले। उन्होंने हर बस क्षण को इन इन टोटालिटी जिया। जैसे जी मैंने वो आपकी चर्चा सुनी जो माधवी मुदगल जी, जो मतलब जिनको मैं माधवी जी जी कहती हूँ, लेकिन हम सब उनकी बहुत उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके उनके नृत्य पे हमारा पूरा घर बहुत उनपे आफरीन है, फिदा है उनकी कला कला पर। तो उन्होंने याद की थी एक बात कि गीत गोविंद जो मेरी माँ ने मधुरा जसराज जी ने प्रोड्यूस किया था, और जिसका एक जो अगर आप देखें, क्योंकि वो भी शांताराम की बेटी रही है, तो उनकी जो पूरी टीम जो थी वो ऐसी मतलब लेजेंडरी थीम थी। बापूजी ने उसको संगीतबद्ध किया था, विजय राघवराज जी ने उसको म्यूजिकली अरेंज किया था, नंद किशोर मित्तल जी ने पूरे गीत गोविंद को संस्कृत से हिंदी में हिंदी रूपांतर में किया था, ट्रांसलेट किया था। एम आर आचरेकर जो बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर रहे हैं, जो जिन्होंने राज कपूर की सारी फिल्म्स के आर्ट डायरेक्शन किए हुए, ऐसे एम आर आचरेकर कलाकार वो आर्ट डायरेक्टर थे, जिन्होंने पहली बार स्टेज को स्प्लिट स्टेज बना के ऐसा प्रेजेंट किया। तो ये हमारे बचपन के एक्सपोजर्स और लर्निंग है। सबसे बड़ी बात गुरु केलुचरण महापात्र, जो मतलब उड़ीसी को जिन्होंने आज इस मकाम पे पहुंचाने का एक लायंस शेयर, जिसको कह सकते कंट्रीब्यूशन, और उनकी शिष्य संयुक्ता पाणिग्रही, ऐसे गुरु केलुचरण महापात्र जी ने उसकी कोरियोग्राफी की थी, और लाइट्स के लिए भी बहुत ही कमाल के उस वक्त तापस के तापस 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 सेन, जो एक लेजेंडरी कलकत्ता से लाइट इंजीनियर डिजाइनर आए थे तापस सेन, और ये सारे जो एक टीम, और सिंगर्स कौन, फर्स्ट टाइम सिंगर्स अनुराधा पौडवाल, बापूजी कृष्ण गिरीश जी, और हम लोग बच्चों के रूप में हमेशा ललिता गाते रहते थे, हम लोग सब गाते रहते थे कोरस में, यहाँ वहाँ सब गाते रहते थे। तो ये सारे, और अच्छा म्यूजिकल बजा कौन रहा है, शिव कुमार शर्मा और कार्तिक कुमार जी, और सारे बड़े बड़े कलाकार उसमें अपने अपना मतलब अगर दो दो तीन तीन सेकंड भी है तो इतना खूबसूरत वो साउंड करता था, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज लोग सब जुड़े थे। इतना खूबसूरत प्रोडक्शन था, मैं बताऊं आज भी उतना खूबसूरत डांस बैले मैंने नहीं देखा, क्योंकि द क्रिएटिव जीनियसेस एट देयर बेस्ट टुगेदर, वो एक जो एक मेरी माँ के हाथों से हो गया काम, वो इट वॉज अ बिगेस्ट ब्लेसिंग। तो उसमें माधवी जी जी वॉज द कृष्णा, ओके, वो हीरो थी, और क्या
उसमें दो पद जो ट्रांसलेट किए गए हैं वो मुकुंद चाचा जी ने किए, और वो घर पे आए हुए थे। अच्छा, वो हमेशा से मतलब उनके घर की स्थिति हमेशा से बहुत समृद्ध घर में पैदा हुए हो, लेकिन कभी हम लोगों को भी नहीं लगता था कि अरे वो हमारे छोटे से घर में, हम लोग सब एक ही कमरे में सब लोग सो रहे, कैसे रहेंगे। वो भी अपना कोई एक कोना पकड़ के सो रहे, मतलब कभी उसमें कोई झिझक नहीं थी कि मेरा बाथरूम अलग कैसे, सब लोग एक ही मतलब ये सारी चीजें अब मैं देखती हूँ बाकी के कलाकारों में कि नहीं, स्वीट चाहिए, एयरपोर्ट पे कौन सी गाड़ी आएगी लेने के लिए, यहाँ तक सोचते हैं। मैं बताऊं, उनकी बाकी बातें ठीक है, एज म्यूजिशियंस यू आर ग्रेट, मगर इनकी सारी कौन सी गाड़ी पिकअप करेगी, कौन से स्वीट में रहेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, क्या क्या होगा, वो सारी चीजें ऐसी आती है। मैं कभी कभी बात करती, कभी म्यूजिक की भी बात पूछ लो कि मैं क्या क्या राग बजाऊं, क्या कौन सा गाना गाऊं, कौन सा राग गाऊं, ये बात ही नहीं होती। तो खैर एनीवेज, तो मुकुंद चाचा जी ने दो पद हमारे सामने ट्रांसलेट किए थे, और उनको ट्रांसलेशन के लिए मैं बताऊं ये महीनों तक काम चला है, 6 महीने 8 महीने, मतलब गुरु केलुचरण महापात्र जी इतने हमारे म्यूजिक रूम में ऊपर था टेरेस पे, टेरेस में तो और गर्मी होती थी, और उस वक्त घर में कोई एसी नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं, वहां रहते थे छोटे से कमरे में, और ये 6 8 महीने तक होते रहा, राजकमल स्टूडियो में उसकी रिहर्सल होती थी। तो दो पद जब मुकुंद चाचा जी ने किया, जाजा माधव जो, और एक है लास्ट वाला यदुवर चंदन शीतल कर, कुछ 10 15 मिनट में उन्होंने वो संस्कृत से उसके रूपांतर किया था, और इतना मतलब आज जब सुनती हूँ तो उस भाषा का महत्व, उसकी मिठास, उसका इमोशन इतनी सहज लैंग्वेज में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इतना सारा जो काम किया है ना, जो वास्टनेस है एंड द वर्सिटैलिटी है कि हर एक सेकंड का वैल्यू क्या हो सकता है उनके जीवन से पता चलता है। ये एक पद को अगर 10 15 मिनट में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्रॉम संस्कृत टू हिंदी, तो आपकी दिमागी क्षमता कितनी है। और ट्रांसलेशन नॉट द लिटरल ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटिंग द इमोशन, उसकी जो भावना का आपको रूपांतर करना है हिंदी में। और वो जाजा माधव बापूजी ने भटियार में उसकी कॉम्पोजिशन की थी, इतनी कमाल की, और अनुराधा पोडवाल एकदम यंग फ्रेश वॉइस, क्या कमाल होता था वो। और वो लास्ट वाला भैरवी भी, वो जब राधा जी कह रही है कृष्ण भगवान को, तुम मुझे अब लीला हो गई थी उनकी, तो अब मुझे तुम सजा दो, मतलब कि मेरे कपड़े मुझे पहना दो, मेरे बाल मेरे मतलब वापस चोटी बना दो, मेरा काजल वापस लगा दो, तो ये दोनों मतलब पीसेस है, और वो हिंदी काव्य में ट्रांसलेटेड है। तो मुझे वो, क्योंकि वो माधवी जी जी वो याद नहीं कर पा रही थी, उनको बात याद तो आई थी मगर मुझे वो सारी चीजें थोड़ी ज्यादा याद रह गई हैं, क्योंकि हम लोगों के बचपन बचपन के बचपन का प्यार भूल मत जाना रे, वैसी वाली बात है कि बचपन की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रहती है। तो एंड शी वॉज ऑफकोर्स दी आर्टिस्ट, तो उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती थी, मेन आर्टिस्ट शी वॉज कृष्णा, तो उनको बहुत सारी दूसरी बातें भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि इतने सारे कलाकार एक साथ, क्या चमत्कार हो रहा था हमारे सामने। रतन भी अगर तुमको आती है तो गा दो, वरना मैं उन गानों का मर्डर कर ही दूंगी दो लाइन गा के। नहीं नहीं हम लोग दोनों मिलके ही गाते हैं नहीं, और भी मर्डर हो जी, जाएगा, मर्डर हो अच्छा जाएगा रहेगा जी। नहीं इस तुम अच्छा एक बार एक लाइन तुम गाना, मैं गाती हूँ फिर बाद में। सुर देना जा जा माधव जा जा के, मेरे ख्याल तुम्हारे लिए बहुत ऊंचा हो जाएगा ये, तो नीचे नहीं, वही हिमालय से ऊपर चढ़ा दो मुझे इतना ऊपर। जाचा माधव जाही केशव छल के बेनन जाओ कमल नयन केस जाओ कमल नयन उनके संग छल के बैनन बोलो जाओ
तुम तो एकदम माधव नयन उनके सन जाओ कमल नयन उनके सन छलके बैन न बोलो जा जा माधव अच्छा अभी वो गाय क्या भैरवी और उसी से भैरवी कर देते हैं इस चर्चा की, क्योंकि ये हम लोगों के जीवन के ऐसा अध्याय है कि हमारे जीवन काल में और हमारे जीवन काल के बाद भी ये चलने वाला अध्याय है। तो समय समय की परिभाषा भी यहाँ समाप्त होती है, क्योंकि ये चांद और सूरज हमारे जिंदगी में है, इसीलिए हम रोशन है, इसीलिए हम जी रहे, और इसीलिए हमारी जो भी सूझबूझ थोड़ी बहुत जो भी है तो उन्हीं को अर्पण है, उनके पैरों में हम अपने नाक और कान और सब कुछ रगड़ देते कि आज अगर हमसे कुछ भूल चूक हुई होगी तो हमें क्षमा कर दे, लेकिन क्षमा इस तरह से करे कि हमको समझाए कि कैसे आगे इसको और कैसे समझे। तो इसकी भैरवी शुरू मैं करूं क्योंकि तुम कुछ फिर संस्कृत की तरफ चले जाओगे, तुम इतने संस्कृत हो गए कि तुम हिंदी वाला वर्जन भूल रहे हो। तो अभी जो लास्ट वाली जो भैरवी है जहां पे मैंने कहा कि राधा जी कृष्ण भगवान को कह रही है कि तुम मुझे सजा दो, वो इतना इट इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ इट्स बियॉन्ड रोमांस, इट्स बियॉन्ड प्योर लव, इट्स लाइक कि मतलब उसकी कुछ गीत गोविंद का पूरा सार है उसमें। सुर नहीं सुनाई दे रहा, सुर देना। यदुवर चंदन शुरू करो ना, यदुवर चंदन यदुवर चंदन यदुवर, ये सुर इधर ऐसे थोड़ा नीचे कर दे, आप बहुत बहुत ऊपर हो गए, थोड़ा और नीचे कर। यदुवर चंदन शीतल कर दो, पंकित कर दो तुम मम कुछ यदुवर यदुवर चंदन शीत, थोड़ा और नीचे करो प्लीज, बहुत ऊपर हो रहा है। ए शार्प, ए शार्प हिंदी में क्या कहते हैं, काली एंड पांच ऊपर से पहले से कहते हर जा सुना सावरी, हर जा सुनो सावरी। शर्मा जी एक लाइन तुम गाओ एक लाइन मैं गाती हूँ, तो दोनों साथ में इस ऐप पे नहीं हो सकता। हर जे सुनो सावरे, अब गाओ हर जे सुनो सावरे, हृदय रमण हो हृदय रमण हो रमणी, हर जे सुनो सावरे,
आगे आता है तुम गाओ ना, बहुत मुश्किल गा लो। सघन जगन रति निकुंज सम वो पूरा सब सघन जगन रति निकुंज सम हुए निर्वसन, हुए निर्वसन प्रिय प्यारी प्रिय प्यारी मणि किंकिणिया भूषण पट से उन्हें सवारो निज मन से, उन्हें सवारो निज मन से हर जय सुनो सावरे, हर जय सुनो सावरे, हर जय सुनो सावरे। ये राधा जी की अरज है और थैंक यू अर्पण जी बोलने के लिए। ये आपने एक अवसर दिया जो बहुत हम लोगों ने ऑनेस्टी बहुत पवित्रता के साथ जिए वो ये पल, और कुछ ऐसे इमोशंस है ना कि नहीं कह पाऊंगी। बस आपको इसके इस अनुभव के लिए बहुत प्रणाम करती हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ दुर्गा जी की जितनी संवेदनशील आप हैं और जिस तरह से परिवार की परंपरा को और इस कला को आप आगे बढ़ा रही हैं, वह अपने आप में कमाल है। और ये विभूतियां हैं ही ऐसी कि इन्हें हम याद करते हुए जितना याद करें उतना कम है, और याद करना भी कहना भी गलत ही है क्योंकि वे हमारे साथ ही हैं, हम सबके बीच ही हैं। और बहुत अच्छी चर्चा रही, इस तरह से हम इस चर्चा का एक खास प्रसंग यह भी रहा जो मुझे लगता है कि वो आवश्यक भी है कि हमारी जो युवतर पीढ़ी है वह इस चीज को समझ सके कि कलाओं के बीच अंतर संबंध कितने आवश्यक हैं, और दोस्ती जो है और जो गुरु शिष्य परंपरा है उसका जो एक निर्वहन हो सकता है, या जो संकोच है, या किसी को आदर देने के जो भाव है जो कई बार, जिसकी आपने चर्चा भी की कि कई बार हमें वह कई मामलों में वो कम होता हुआ दिखता है, तो वे सब हम जितने उसको ठीक कर सकें और हम अपनी उस विरासत को अधिक से अधिक जी सकें, ऐसे आयोजन की यही उद्देश्य है कि हम वापस अपने उस उन कार्यों को हम वापस याद कर सकें
और उस विरासत में कुछ और लोग आगे आए और से और बेहतर काम हो सके। तो बहुत अच्छा लगा कि आप दुर्गा जी और रतन मोहन जी आप दोनों आए, और यह शाम कई तरह से यादगार शाम रही। यहाँ जो भावनाएं भी बही और संगीत का भी एक प्रवाह हुआ और कितनी सारी यादों की भी एक नदी प्रवाहित हुई, तो निश्चय ही वे दोनों भी कहीं ना कहीं से हम सभी लोगों को देख रहे हैं और आशीर्वाद ही दे रहे होंगे। और जिस तरह से शब्द और संगीत के बीच जो साहचर्य और संबंध हो सकता है, मुझे लगता है कि मुकुंद लाठ जी और पंडित जसराज जी के संबंध में इसे हम बहुत ही बेहतर रूप में समझ सकते हैं। आप लोगों ने काफी समय दिया, काफी समय भी लिया, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा जी, रतन जी और तमाम साथियों का जिनकी प्रतिक्रियाएं आई, और तमाम दर्शकों का जो हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मुकुंद लाठ एकाग्र की अंतिम कड़ी में हमारे साथ अशोक वाजपेयी जी होंगे, वे भी गहरे उनके दर्शन और साहित्य से, कविता से, गद्य से जुड़े हुए रहे हैं, हम उनको भी सुनेंगे और फिर हम कल इसका समापन भी करेंगे। बहुत बहुत हम शुक्रिया। हमारी तरफ से भी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, पंडित जसराज पूरे परिवार की तरफ से, मेवाती घराने की तरफ से, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये जो ये एक सीरीज जो चलाया हुआ है डॉक्टर मुकुंद लाठ जी की, तो उनके जो अलग अलग दर्शन हमें मिल रहे हैं उसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि अभिमान से भी ऊपर, गर्व से भी ऊपर हमें पता चलता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कितने महान हैं, और उनकी देखने की, उनको समझने की दृष्टि, इतने विद्वान लोग, इतने ज्ञानी लोग हमें दे रहे हैं, और इस परिकल्पना के लिए और इस पूरे कार्य को आप इतने प्यार से कर रहे हैं, ये आपके हाथों से भी, मैं सच्ची बताऊं, बहुत एक आपके आपका भी बड़ा भाग्य है जो आप ये काम कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए भी भगवान ने आपको चुना है, मुकुंद चाचा जी ने आपको चुना है, ये आप बहुत भाग्यशाली हैं, और मैं ये समझती हूँ कि आपके जीवन काल में बहुत बड़े बड़े कार्य होने वाले हैं, और ये सिर्फ शायद शुरुआत ही होगी, और हम देखते जाएंगे कि अर्पण जी हमें कैसे कैसे सारी चीजों को अलग अलग विधाओं से, अलग अलग जो कलाओं से हमें आप सराबोर करते रहेंगे, और आपके जीवन काल में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, ये जैसे मैंने कहा, दिस मस्ट बी जस्ट बिगिनिंग, वी आर गोइंग टू विटनेस हिस्ट्री फ्रॉम यू, तो हमारी भी अपेक्षाएं आपसे भी बहुत बढ़ गई हैं, तो इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं, और जी, आप हंसी अपनी ओर से मत, मैं जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर जानता हूं, मैं समझ मुकुंद सकता लाठ हूं। जैसा एक वेद को आपने इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका बहुत एक बड़ा योगदान हो रहा है, और ये योगदान अब जारी रहेगा, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, और न जाने कितने कार्य आपके हाथों होने वाले हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, और बातें तो सुनी होंगी, मेरे गाने को सहने के लिए बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। बहुत अच्छा गाई और कई नहीं, बहुत प्रतिक्रियाएं अच्छा आई। गाया तुमने। नहीं, बातचीत के मैं क्रम में कई प्रतिक्रियाएं हम स्क्रीन पे नहीं भी रख सके। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और सचमुच में मतलब जो जिस हम बहुआयामीपन की बात कर रहे थे, तो वह बहुआयाम जो है वो खुल के आ सके। और बस, और लास्ट मुझे लगता है बट दुर्गा जी कि यह एक इस बहाने बहुत सारे लोग जुड़े, और कई लोग तो जान ही रहे थे और जो नहीं भी जान रहे थे उन्हें भी इसके बारे में जानकारी कुछ विस्तार से मिल सकी। अलग अलग पक्षों पर, दर्शन पर भी, संगीत पर भी, कविता पर भी, तो एक अच्छा, एक छोटी सी और नम्र सी कोशिश है, मगर सभी लोगों का स्नेह मिल रहा है, आप लोगों का साथ मिला तो यहां तक आ सके। मुझे मुझे सिर्फ एक ही बात, जो इन दोनों जो युग पुरुष हमारे जिंदगी में एक सा, मतलब बापू जी और मुकुंद चाचा जी, इनकी जो महानता है वो तो खैर एस्पिरेशनल रहेगी, और वो ट्रूली एक युग एक साथ उनको आना था, जैसे कि उन दोनों को एक अपनी अपनी हिस्ट्री अलग अलग भी बनानी थी, और एक साथ भी उनके चैप्टर्स हैं लाइफ में, दोनों ने अपना
इतिहास बनाया है, वो सारी चीजें बहुत बड़ी हैं, उनके बारे में बहुत लोग बातें करेंगे, विद्वान लोग बातें करेंगे, लेकिन जो सबसे जो उन दोनों में सहज भाव था, सबको प्रेम करना, अगर ये हम लोग इतना भी अगर ये चीज कर पाए, उन अपने जीवन में कर पाए, सिंप्लिसिटी लाए और सबको निस्वार्थ प्रेम कर सके, वी वुड हैव अटेन्ड अ लॉट एज ह्यूमन बींग्स। तो ये मुझे लगता है इसकी परिभाषा उन्होंने हमको सिखाई है। बाकी तो ग्रेटनेस तो अलग ही बात है, वो बहुत अलग चैप्टर्स है। लविंग इज सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेटेड, एंड लविंग एवरीबडी अनकंडीशनली इज पॉसिबल, बहुत बड़ी बात। जी ठीक है दुर्गा जी, बहुत बहुत धन्यवाद रतन मोहन शर्मा जी, शुक्रिया, और सभी मित्रों का धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद कि आपने हमको ये मौका दिया, उनके उनके बारे में बोलने का मौका दिया। और थैंक यू जी दुर्गा, थैंक यू अर्पण जी। अगर अनुमति हो तो कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। जी जी बिल्कुल, हम लोग जी जी ना थैंक ओके, यू शुक्रिया, बोलते शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, हैं। जय।